अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे? इंशाल्लाह सारे अपने अपने घरों में ठीक होंगे और महफूज होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की बरकत से सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैंने आपको एक शलवार, बेड वाली शलवार ही बतानी है, लेकिन उसमें थोड़ी चेंजिंग करके, थोड़ी डिज़ाइनिंग करके उस शलवार को हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ लेसेस अप्लाई करूँगी, ये वाली लेस अप्लाई करूँगी। वाइट शलवार है तो वाइट शलवार के ऊपर ये वाली लेस और एक सीढ़ी लेस अप्लाई करूँगी। उसके साथ मैं कुछ उसमें बारीक लाइनिंग अप्लाई करूँगी जो शलवार की खूबसूरती में इजाफा करेंगी। अब मैंने इस पूरे कपड़े को, ये देखें ये पूरा कपड़ा है, इसको ये डबल किया हुआ है, डबल कपड़े को इस्त्री करके, और मैंने ये नीचे वाला भी ये पोर्शन है, ये भी दो पीस हैं, और इन दोनों को मैंने डबल कर लिया और यूं करके मैंने इसे ऐसे फोल्ड कर दिए। इसका टोटल घेरा जो है ये 22 इंच है और टोटल लंबाई जो थी इस कपड़े, इस शलवार की बगैर बेल्ट के, वो 32 इंच थी। तो मुझे जो रिक्वायर्ड कपड़ा चाहिए था वो मुझे 33 इंच का पीस चाहिए था, लेकिन जब ये कपड़े को हम डबल किया है तो ये मेरे पास 30 इंच का पीस आया, जबकि मुझे चाहिए था 33 इंच का पीस। तो मैं इसमें जो डिज़ाइनिंग करूँगी उस तरीके से ही इसकी मैं लंबाई में भी इजाफा कर लूँगी और उसमें डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और ख़ूबसूरत भी बन जाएगी। और किस तरह से वो खूबसूरत और डिज़ाइनिंग में इजाफा होगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये देखें, अब मैं इसको नाप रही हूँ तो ये 31 है, टोटल 31.5 है, और जबकि मुझे कितनी चाहिए, 32 इंच तैयार है, तो मुझे 33 इंच तैयार चाहिए। तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसका पैंचा जो है वो 8 इंच है, तो मैं 8 इंच की जगह इसका पैंचा 9.5 10 इंच करके, 10 इंच पे करके, ये देखें ये मैंने 10 इंच के ऊपर, ये 10 इंच के ऊपर ये निशान लगा लिया है, और इस तरफ और यहाँ पे मैं टोटल घेरा लूँगी 23 इंच। 22 इंच मुझे चाहिए तो मैं 23 इंच लूँगी। 23 इंच लेने के बाद मैं यहाँ पे, ये देखें ये टोटल मैंने घेरा लिया है 23 इंच, और यहाँ पे मैंने रुमाली का निशान लगाया है, 12 इंच पे रुमाली का निशान लगा, 11 इंच इसकी तैयार है। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कोई चीज़ भी जब हम कट करते हैं तो उसमें आधा आधा इंच, जैसे हम शलवार की टोटल लेंथ नहीं, बेल्ट वाली शलवार खासकर, आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो आप आई के बटन पे ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे आप राइट साइड के ऊपर जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि किस तरह से मैंने उस शलवार की कटिंग की है, वो मैंने लिंक सेंड की है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसकी 12 इंच रखी है ये, और यहाँ पे मैंने ये टोटल जो पैंचा है वो 10 इंच का है, तो वो 8 इंच का तैयार है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया 10 इंच का, बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये तमाम चीज़ें, अब ये आपको मैंने स्केल का भी बताया हुआ था कि बड़ी चीज़ों की कटिंग के लिए हम कुछ चीज़ें इस तरह की सीधी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हम आसानी से अपना काम, रिक्वायर्ड जो हमें काम होता है वो हम निकाल लेते हैं। ये अब मैंने ये चीज़ कर ली। अब इसके बाद ये यहाँ पे जो मैंने निशान रुमाली का लगाया हुआ है उसको मैं कट करूँगी और ये टोटल पैंचे के साथ कट कर दूँगी। अब आप ये देखें कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो मेरा बड़ा है, नीचे वाला जो ये पोर्शन बड़ा है और ये ऊपर वाला जो है ये कम है, तो यहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना है, जोड़ लगाना है, और मैं यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक ये आ रहा है, ये कपड़ा यहाँ तक है और ये नीचे वाला पोर्शन है, ये दो नीचे के पैंचे हैं, दो ये ऊपर के पैंचे हैं, तो इन इस जो ऊपर छोटा वाला पीस है उसमें मुझे अलग से ज्वाइंट लगाना है। पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा आप ये देखें, जो ऊपर का पोर्शन ये थोड़ा सा अनबैलेंस कपड़ा था, तो मैंने उसको इस स्केल की मदद से, ये जो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ये टूल्स लाजमी सिलाई की कटिंग स्टिचिंग में बहुत अहम काम करते हैं, तो ये आपको लेने पड़ इस्तेमाल लाजमी अपने पास रखेंगे, तब आपका कपड़ा बिल्कुल बैलेंस और बिल्कुल एक्वाइर्ड जितनी राइट चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक ये कट सकती हैं। ठीक है, ये कपड़े की सीध के लिए सबसे मेन चीज़ होता है, जो कान शान होती है वो रिमूव हो जाती है। अब मैंने इस तरह से रख के इस पे निशान लगाया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने उसे वहाँ से कट कर दिया, फिर मैंने ये रुमाली के मुताबिक ये किया और यहाँ से ये पांचा मैंने कट कर दिया। अब इस पे जो मुझे ये चीज़ चाहिए है, एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे चाहिए, वो मैं यहाँ पे रख के जितना ये कपड़ा है इस तरह से ये ऐसे ये लूँगी, जो एक्स्ट्रा मेरे पास कपड़ा बचा था अभी जो साइड्स की कटिंग के बाद बचा था, ये वाला कपड़ा ले कर, अब ये देखें ये कपड़ा है, मैं इसको यहाँ पर रख के इस जगह पर इसको टोटल मुझे ये देखें जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा। ये देखें, अब आपको नीचे वाला कपड़े का भी नज़र आ रहा है अक्स से कि यहाँ से मैं ये कटिंग करूँगी और ये दो पीस मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे ये दो पीस चाहिए जो मैं इसमें से आसानी से कट करके ले लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने पीस कटिंग कर ली है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ पे जॉइंट लगाना है, जो कम कपड़ा था हमारा, हम यहाँ पे ये इसको ही स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से पहले अब जो मैंने आपको कहा है कि हम डिज़ाइनिंग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, अब ये पांचा है, ठीक है, टोटल मैंने आपको इसकी लंबाई बताई थी कि मुझे रिक्वायर्ड लंबाई जो चाहिए वो मुझे 33 इंच लंबाई चाहिए, तो ये 31.5 इंच है, ये देखिए 31.5 इंच है, 30 इंच 3.5 इंच का इसमें डिफरेंस है अभी, यानी नहीं है 1.5 इंच इसमें। तो अब मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करना है, डिज़ाइन मैं किस तरह से अप्लाई करूँगी कि मैं 5 इंच से कम भी 6 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगाऊँगी, और उसको मैं कट कर दूँगी, 6 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा कम पे कर लेती हूँ, जैसे कि अब ये 5 इंच है, यहाँ से भी ये 5 इंच, ये यहाँ पे मैंने अब इसको कट कर, ये देखिए ये मैंने लाइन मार्क की, ये आपको अब नज़र आ रही होगी, इसको मैं अब कट कर दूँगी। जब हम शलवार के ऊपर लाइनिंग अप्लाई करनी है, बारीक लाइनें अप्लाई करनी है, लेस लगानी है, फिर और छोटा एक्स्ट्रा पीस लगना है, तो कोशिश किया करें कि इसकी शलवार की कटिंग कम से कम जैसे गुड्डी स्टाइल में कटिंग करते हैं उस तरह से हो, और अगर रुमाली की तरफ कोई ऊपर की तरफ जोर डालता है घेर कम्प्लीट करने पर, तो हम रुमाली की साइड पर जोर डाल के उसका टोटल घेरा जो होता है वो बैलेंस में कर लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के। अब ये देखिए मैंने ये पोर्शन काट दिया, ठीक है, ये मेरा नीचे पैंचा है और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो कपड़ा अप्लाई करूँगी वो मैं कम से कम 3 इंच या 4 इंच का पीस लूँगी और उसको यहाँ पे रख के अप्लाई करूँगी। वो मैं कहाँ से लूँगी, वो ये वाला पीस जो है मेरे पास एक्स्ट्रा, ये वाला, इसमें से कट करूँगी, इसको सारे को प्रेस करके इसको मैं कट करूँगी और 4 इंच का यहाँ से पीस ले लूँगी। इसमें मैं बारीक लाइनिंग, ये मैं थोड़ा इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा करके पीस लूँगी कि मुझे ये थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं ऐसे इसे लेके और यहाँ पे इसको रख के इसमें लाइनिंग बारीक करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने वो कपड़े डिज़ाइनिंग करके कपड़े को तैयार की है। इस हिस्से में जो मैंने यहाँ पे ये लगाना है वो कैसे मैं तैयार करूँगी। अब ये देखिए मैंने जो यहाँ का ये कट किया था, ये वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ से कट किया था, यहाँ पर मैंने एक बड़ा पीस लगाना है, ये देखें ये काफ़ी बड़ा है, कम से कम मुझे रिक्वायर्ड लेंथ जो चाहिए थी इसकी, इसकी टोटल मुझे ये 13 इंच चाहिए थी, तो मैंने 13 इंच की जगह मैंने ये पीस लिया है टोटल 21 इंच का, ये 21 इंच के मैंने दो पीस ले लिए, एक एक पैंचे पे लगेगा, ये देखें ये एक पैंचे पे लगेगा और एक
ये 1 इंच पे लगेगा। अब आप कहेंगे कि मैंने ये इतना बड़ा क्यों पीस लिया जबकि मुझे 13 इंच की लेंथ का चाहिए था, तो मैंने ये 20 इंच या 21 इंच का क्यों पीस लिया। ये इसलिए लिया है कि मैं इसके ऊपर बारीक बारीक लाइनें मार्क करूंगी और उसको मैं बारीक बारीक मशीन के जरिए से सिलाई करूंगी। वो छोटी छोटी सी एक पैटर्न बन जाएगा, यानी बारीक बारीक सिलाइयाँ लगाऊंगी, तो उससे फिर ये कपड़ा कम हो जाएगा और फिर जितना मुझे रिक्वायर्ड चाहिए होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब मैं इस कपड़े के ऊपर लाइनिंग मार्क कर लूंगी 2-2 इंच के ऊपर। ये मैंने पहले दो दो इंच के गैप से मैंने पहले दोनों साइड्स के ऊपर निशान लगा लिए ताकि मुझे बार बार नापना ना पड़े। हाँ, ये देखिए मैंने इस पे सारे पे इस्त्री की मदद से, आपको नजर आ रहा है इस्त्री की मदद से, मैंने ये 2-2 इंच के ऊपर लाइन निशान बना लिए। अब मैं इस पे सिलाई लगा लूंगी। अब ये देखिए मैंने पहले इस पे सिलाइयाँ लगाई, ये देखिए सिलाई लगाई है और स्प्रे की मदद से मैंने इस पे इस्त्री की है, तो ये देखिए सारी सिलाइयाँ जो है वो एकदम बैठ गई हैं। ये हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद मुझे जितना रिक्वायर्ड कपड़ा चाहिए था, ये शलवार है, शलवार के साथ जब मैंने इसे जोड़ना है तो ये देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये चीज़, तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा हो जाए वो खैर है, कम ना पड़े, ये देखिए एक्स्ट्रा हो जाए इसकी खैर होती है, लेकिन ये पीस हमारा कम ना पड़े क्योंकि हमने इस पर डिजाइनिंग करनी थी, इसलिए हमने इसे थोड़ा फालतू ले लिया। फालतू लेने की वजह हमने इसे डिजाइनिंग कर दी, तो फिर हम एक्स्ट्रा पीस को हम काट देंगे। अब इसको अप्लाई करने से पहले, इस चीज को इसके साथ जोड़ने से पहले मैंने ये लेस लगानी है। ये लेस मैं इसके इस साइड पे भी लगाऊंगी और इस साइड पे भी लगाऊंगी, ये दोनों लेस। आप ये देखें, अब मैंने ये जिस तरह से आपको बताया था मैंने ये सिलाई लगाई है, फिर उसके बाद मैंने इसके दोनों किनारों के ऊपर ये लैस लगा दी, ये दोनों किनारों के ऊपर लैस लगा दी। लैस लगाने के बाद मैंने इसको जो शलवार जो मैंने कट की थी बीच में से, ये नीचे पांचा है और ये नीचे ये वाला हिस्सा है, ये मैंने कट किया था, तो मैंने उसके साथ अब ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये देखें ज्वाइन कर दिया, दोनों साइड्स पे लैस लगा के इसे शलवार के साथ ज्वाइन कर दिया। जो नीचे वाला ये पोर्शन है ये हम बाद में करेंगे। अब एक और काम करना है इसमें, जब ये लैस लगा ली, लैस को एक के ऊपर एक रख के इस्त्री प्रेस कर ली, फिर 1.5 इंच के ऊपर एक और कट लगाएंगे, 1.5 इंच के ऊपर एक और, ये ऐसे पेन से निशान लगा, इस पर कट लगा दिया। कट लगाने के बाद मैंने फिर इस शलवार को खोला, ये ऐसे पांचे को अपनी तरफ ये सामना करके फिर मैंने इसके ऊपर ये देखें ये इसके ऊपर ये इस्त्री से निशान लगा बना लूँ, ये निशान एक निशान और ये देखें, ये मैंने ना इस पे इस्त्री का निशान लगा, इस्त्री से इसको प्रेस किया है और ये दो लाइनें लगा दी, एक लाइन ये एक लाइन ये। ठीक है, इस पे मैं जैसे ये वाली बारीक सिलाई मैंने इस्त्री मशीन की मदद से ये लगाई है, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी 2 लाइनें लगाऊंगी। ठीक है, ये नज़र आ रही है ना 2 लाइनें, ये दोनों पैंचों के ऊपर, इस पैंचे के ऊपर भी और जो दूसरा पैंचा है उसके ऊपर भी। इसको मैंने प्रेस कर लिया, ये सारा प्रेस करके देखें ये सारी सिलाइयाँ बैठ गई हैं। फिर इसके बाद हम ये जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, ये वाली ये जो सिलाई लगी हुई है, इससे 2 इंच ऊपर करके हम एक लाइन मार्क करेंगे। ये लाइन मार्क की, अब मैं इसको कट कर दूंगी। आप भी कह रहे होंगे कितनी ये कटिंग हो रही है इस शलवार में। अब ये जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है, इस पे मैं ये सीढ़ी लेस अप्लाई करूंगी यहाँ पे इस जगह पे, और ये जो नीचे वाला जो ये पैंचे का नीचे जो ये पैंचे वाला पीस था जो मैंने पहले कट किया था, उसके ऊपर भी मैं 2 इंच के ऊपर निशान लगा के ऐसे ही जैसे मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं, ऐसी इसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लूँगी। इसको भी मैं इस्त्री की मदद से प्रेस कर लूँगी। अब ये मैंने इस पे सीढ़ी लैस भी लगा ली है, ये सीढ़ी लैस भी लगा ली है और नीचे वाले पोर्शन पे भी मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली। अब मैं इस शलवार की असल कटिंग जो है वो करूँगी, यानी जितनी मुझे अब रिक्वायर्ड शलवार रिक्वायर्ड पैंचा चाहिए होगा वो अब वो कटिंग करूँगी। पहले सबसे पहले मैं पैंचे पे निशान लगाऊंगी,
पैंचा मुझे 8 इंच का चाहिए तो मैं 9 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं इस चीज़ को बिल्कुल सीधा करके रख के चेक करूंगी कि ये सीध हो गई है कि नहीं। ये ऐसे इसको पूरा सीधा किया इस स्केल की मदद से, ये बिल्कुल जहाँ से भी उधर से आगे कपड़ा निकला होगा उसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब इसके बाद ये वाला जो मैंने निशान लगाया है इस निशान को मैं रुमाली के साथ मिलाऊंगी और इसे कट कर दूंगी। ये मैंने अब कट कर दी है। अब इसको इसके पैंचे के ऊपर मैं क्रम लगाऊंगी और फिर पैंचे बनाऊंगी, फिर ऊपर मैं ये बेल्ट ज्वाइन कर दूंगी। अगर आपको बेल्ट ज्वाइन करने का तरीका नहीं पता तो मैंने ऊपर आई के बटन पर प्रेस कीजिएगा आप, वहाँ पे मैंने बेल्ट की शलवार की कटिंग लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप बेल्ट ज्वाइन करने का तरीका भी देख लीजिएगा और पैंचे किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा। पूरी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ वहाँ पर मौजूद है। देखें शलवार रेडी हो गई है, मैंने इसके ऊपर बेल्ट भी लगा दिया है और बेल्ट के बाद मैंने इसके पैंचे बनाए। फिर पैंचे बनाने के बाद मैंने इसकी साइड की सिलाई लगाई और जनाब आप अब खुद देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक लग रही है इसकी। और ये देखिए मैंने इसके पैंचे के नीचे ये छोटी बारीक टैस लगा दी और इससे इसमें कितनी खूबसूरती पैदा हो गई। यही डिज़ाइन आप ट्राउजर्स वगैरह पे भी बना सकती हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके जी।